तो मैं अभी आ रहा हूँ भाई साइमन के शोरूम से। एंड साइमन के शोरूम पे मैं कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने या फिर कोई गाड़ी वाड़ी देखने के लिए नहीं गया था, बट हाँ साइमन ने एक पार्टी दी थी, उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए गया था मैं। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई साइमन ने पार्टी क्यों दी। एक्चुअली मैं भाई साइमन को टोटल 5 साल शोरूम को हो चुके हैं ओपन किए हुए, इसी खुशी में उसने पार्टी दी थी। वैसे मैं बता दूं वो काफ़ी सालों से कई सारे शोरूम चला चुका है एंड कई सारे शोरूम बंद कर चुका है, बट वो वाला जो शोरूम नहीं है भाई प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट ऐसा कुछ तो नाम है उसके शोरूम का, इस शोरूम को चलाते हुए उसे लगभग 5 साल हो गए। एंड उसी के बनने पे, मतलब बनने पे क्या, उसी के 5 साल कंप्लीट होने पे उसने आज पार्टी दी थी। लेस्टर वेस्टर सब आए थे भाई, माइकल भी आया था, तो काफ़ी मज़ा आ गया। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, अभी फटाफट से जाके आराम करूँगा मैं घर पे। अपनी गाड़ी को ज़रा गैराज में, छोड़ो गैराज में, यहीं बाहर ही लगा देते हैं, इतनी थोड़ी ना चोरी हो रही है भाई, या फिर लगा देते हैं। आजकल चोरों का आतंक बढ़ गया भाई लॉस सैंटोस में। वैसे मैं दूसरों की गाड़ियाँ चुराता रहता हूँ, मेरे घर से मेरी गाड़ी चोरी हो जाए तो और ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सेफली पार्क कर दिया अपनी ऑडी को। एंड भी जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। तुम लोग सोच रहे हो भाई ये तो टाइम ही नहीं है सोने का, भाई ये मेरे लिए यही टाइम है भाई। 6 बजे मैं इतने बजे ही सो जाता हूँ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल सी सुबह हो चुकी है। अरे ये कैसी सुबह हुई है भाई, बादल वादल से छा रखे हैं, बट ऐसे मौसम में भाई कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मज़ा ही अलग है। बट लॉन्ग ड्राइव पे से भी ज़्यादा बताऊँ मज़ा किस में आएगा, कैंपिंग करने में। ऐसे ही मौसम में तो मज़ा आ जाता है कैंपिंग का, सीरियसली भाई ऐसे मौसम में मस्त अपनी गाड़ी में टेंट वेंट रख के ले जाओ, कहीं खूबसूरत सी जगह पे गाड़ी पार्क करो, वहाँ पे अपना ब्यूटीफुल से टेंट लगाओ एंड मज़े से कैंपिंग करो, अलग ही सीन है। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, आज ये सीन क्रिएट करते हैं, चलो कैंपिंग पे चलते हैं। आई नो तुम लोग यही सोच रहे होगे कि भाई आउट ऑफ नो वेयर ये कहाँ से अचानक से प्लान बन गया। बस बन गया यार, मैं कल आया था साइमन की पार्टी में से एंड मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि कल अगर थोड़ा ठीक ठाक मौसम होता है तो मैं कैंपिंग के लिए जाऊंगा। एंड ये देखो इससे भी बढ़िया कोई मौसम होता है क्या, हल्की हल्की धूप आ रही है, हल्का हल्का बारिश वाला मौसम हो रखा है, मज़ा आएगा। चलो भाई खाने पीने का सामान ले लेता हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता टेंट वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है यार, एक गुफा नहीं है वो छोटी सी, मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर ही हम लोग कैंपिंग कर लेंगे, मस्त रहेगा। रुको भाई खाने पीने का सामान ले लेते हैं क्विकली। चलो भाई खाने पीने का सामान मैंने बैग में रख लिया, थोड़े बहुत चिप्स, थोड़े बहुत बिस्किट्स एंड थोड़े बहुत फ्रूट्स, इतना काफ़ी है, बाकी कैंप फायर जलाने के लिए तो उधर से ही लकड़ी वकड़ी मिल जाएगी। तो चलो फिर देर किस बात की है, चलते हैं एक बहुत ही अल्टीमेट कैंपिंग पर। तो क्या तुम लोग रेडी हो गाइज, रेडी हो तो फटाफट से जाके अभी इस वीडियो को लाइक करो। यस गाइज क्विकली जाओ लाइक करो। एंड क्या मस्त लग रहा है यार मौसम, सीरियसली मैं ऐसे मौसम में एक तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने में मजा आता है एंड दूसरी चीज कैंपिंग पे मजा आता है। तो अभी फिलहाल लॉन्ग ड्राइव भी हो ही जाएगी एक तरीके से, क्योंकि जहाँ पर कैंपिंग करने के लिए मैं जा रहा हूँ वो जगह पास में थोड़ी ना है, तो दोनों ही चीज़ों का फन मिल जाएगा, लॉन्ग ड्राइव की लॉन्ग ड्राइव भी एंड कैंपिंग का कैंपिंग भी। तो चलो फिर देर किस बात की, क्विकली चलते हैं। हेलो हटो, क्या आज तो ट्रैफिक भी नहीं है भाई, सड़क पे देखो कितनी खाली खाली सड़क है, मज़ा आ रहा है भगाने में गाड़ी को। चलो क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत आसमान हो रखा है। ओहो उस जगह पे मैं पहुंचने वाला हूँ भाई जहाँ पर गुफा है जल्द ही। चलो और तेज भगाते हैं, रुको भाई रास्ता पूरा खाली है। अरे यार मैं भगाने की सोचता हूँ, जब भी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ भाई गाड़ी इधर उधर ठुकी जाती है। अब कोशिश करते हैं फिर से, प्लीज ठुकना मत भाई ऑडी, प्लीज धोखा मत दे। ओके फुल स्पीड, अरे टैक्सी वाले भाई हट जा, छोड़े यार अब मैं फुल स्पीड में नहीं भगाने वाला क्योंकि डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ। जस्ट मेरे लेफ्ट में वो जगह है जहाँ पर मैं आया हूँ कैंपिंग के लिए। देखो भाई कैंपिंग के लिए मैं किसी भी पहाड़ के किसी भी कोने पे जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर फ्री में कोई गुफा मिल रही है, क्योंकि देखो मौसम बारिश वाला है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, एंड टेंट वेंट में लाया नहीं हूँ, बस खाने पीने का सामान लाया हूँ, तो इसीलिए भाई अगर फ्री की गुफा मिल रही है तो दिक्कत किस बात की है, सिंपली यहीं पर कैंपिंग कर लेते हैं। तो चलो भाई वो रही वो गुफा, बहुत ही बढ़िया जगह है ये, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस लगती है मेरे को ये, एक तो पुलिस से भी छुपने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये जगह। के ये देखो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये क्या है, अब ये क्या है भाई, पत्थर, ये पत्थर किसने रख दिया है यहाँ पे, ओ पत्थर भाई इसको फेंक देते हैं बाहर, सोने में दिक्कत होगी भाई,
नहीं वैसे जगह तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे को यहाँ पर गाड़ी भी पार्क करनी है ना भाई अपनी। रुको ज़रा, गाड़ी पार्क हो जाएगी इतनी सी जगह पे, वो तो जानी चाहिए। अरे आराम से भाई, इसको इसको पत्थर को बाहर फेंकते हैं भाई। चलो चलो यहाँ से इधर उठा के इसे फटाफट से बाहर फेंकते हैं। चलो भाई ये चीज़ तो हिली नहीं रही अपनी जगह से। एंड ये ऊपर इसके ब्लू ब्लू कलर के क्या है, एंटीना जैसे। इसको गाड़ी से टक्कर मार मार के भगाना पड़ेगा बाहर। भगाना क्या पड़ेगा, मतलब फेंकना पड़ेगा बाहर। रुको पता नहीं किसने ये पत्थर रख दिया यहाँ पर। चलो हाँ पीछे से टक्कर मारते हैं, बाहर खिसक जाएगा अपने आप ही। कम ऑन, ओके नाइस, यहाँ तक लेकर आ गया मैं इस पत्थर को। थोड़ा सा और नीचे फेंक देते हैं एंड यहाँ पर लेकर आ गए फाइनली। अब इसे यहीं पड़े रहने दो एंड अब उस पत्थर को छोड़ो भाई, कैंपिंग पे ध्यान देते हैं। मैं मेनली यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया हूँ। तो क्विकली गाड़ी को लगाते हैं एंड फ्रूट्स वगैरह निकालते हैं भाई। ओ, 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 ओ क्या कर रहा हूँ मैं, बच गया भाई, गाड़ी मेरे ऊपर से नहीं निकली, बच गया मैं। ओ तेरी गाड़ी अगर भाई खिसक के मेरे ऊपर से निकल जाती बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती। इसको आराम से पार्क करते हैं, फ्रूट्स निकालते हैं एंड मजे करते हैं भाई। काफी देर से फ्रूट्स वगैरह एंड चिप्स वगैरह इंजॉय कर रहा था मैं, मजा आया भाई। रात हो चुकी है, मैं क्या सोच रहा हूँ यहीं पर रुक जाए क्या, या फिर घर चले, क्या बोलते हो तुम लोग? बारिश जैसा मौसम हो रहा है, घर चलना चाहिए आई गेस, या फिर रुक जाते हैं कल सुबह चल लेंगे। एक दिन की तो कैंपिंग पे आया हूँ भाई मैं, यहीं रुकने वाला हूँ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। तो जैसा कि मेरा अंदाज़ा था भाई, बारिश होगी एंड बारिश शुरू भी हो चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ओ भाई साहब सीरियसली मैं भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है, बिजली बिजली भी कड़क रही है। सही है यहीं रुक जाते हैं। गुड नाइट एवरीवन, वैसे सही है यार भाई, टेंट वेंट अगर लगा था तो इस तूफान में पता चला टेंट उड़ गया, बिजली टेंट पे ही गिर गई। यहाँ गुफा में तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिलते हैं तुम लोगों से कल सुबह। ओके तो सुबह हो चुकी है भाई फाइनली, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई, पता नहीं क्या सीन है। चलो क्विकली निकलते हैं, या फिर रुको यार थोड़ा सा बारिश बारिश में भीग के आते हैं, मज़ा आएगा। ये क्या है, कौन है भाई तू, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया है क्या तूने, यहाँ पे क्या कर रहा है? जा भाई तेरी बारी आ गई होगी, जा जा फटाफट से जा। हेलो भाई, अबे जाना भाई यहाँ से, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है मेरा, मैं बिल्कुल ही यहाँ। अबे इधर नहीं चल रहा कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जहाँ चल रहा है वहाँ जा। अबे क्या हो गया भाई तुझे, हेलो भाई क्या हो गया तुझे, वो हवा में उड़ रहा है, नहीं नहीं तार वार बांध रखे होंगे, वो सीरियसली में हवा में उड़ रहा है, वो कोई अप्रैल फूल बना रहा है क्या, वो तो निकल गया लेकिन। तू कौन है वे, क्या बंदा है भाई ये सीरियसली में, ओए हेलो ये तो उड़ रहा है यार सीरियसली में भाई, कैसे कैसे ये बंदा सीरियसली में उड़ रहा था यार, अभी भी देखो फिर से उड़ रहा है, ये पागल बना रहा है कि सीरियसली में उड़ रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाट द हेल, इसने मेरे को पकड़ लिया क्या, ओ नहीं ओ फेंक दिया, और हड्डी टूट गई भाई वो तेरी, ये तो सच में, ओ ये तो कोई असली बंदा है। अबे तू कौन है भाई, तू कौन है, प्लीज छोड़ दे भाई, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है यार, प्लीज छोड़ दे, ओ प्लीज छोड़ दे यार, हेलो छोड़ दे यार, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ओ भाई क्या क्या खुंदा क्या भाई तुझे, क्या दिक्कत क्या है मुझसे दिक्कत क्या है भाई, सब कैसे हो रहा है गाइस, ये लिटरली मैं कैसे हो रहा है, हु द हेल आर यू भाई, कौन है तू, इसके पास विंग्स कैसे हैं, ये उड़ कैसे रहा है, ये तो सीरियसली मैं उड़ रहा है भाई। अबे तू है कौन बे, जरा ये तो बता, क्या बोल रहा है, डीमन विंग, ये कैसा नाम है भाई, ये कैसा नाम है, लेकिन जैसा भी नाम है मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, प्लीज मेरे को छोड़ दे यार, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरे संग कहीं घूमने में, प्लीज छोड़ दे भाई, प्लीज छोड़ दे यार, क्या करके मानेगा। ओ नो
और तोड़ दी गर्दन, तोड़ दी भाई गर्दन, तोड़ दी। एक काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी एक्टिंग करता हूँ भाई, ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि मर गया, कितना भी मारे भाई लात वात, एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुका हूँ, बहुत बुरी तरीके से पिट चुका हूँ, मेरे पे उठा नहीं जा रहा है। यस, थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिंग करते हैं, एंड जैसे इसका ध्यान इधर उधर जाएगा हम लोग यहाँ से भाग लेंगे। लेकिन सीरियसली मैं भाई, मैं इधर शांति से कैंपिंग करने आया था, ये क्या भैंसे जैसी शक्ल वाला बंदा मिल गया पूरा ग्रीन ग्रीन। अब तू है कौन भाई, मैं तो तेरे को जानता भी नहीं हूँ। डीमन विंग बता रहा है, क्या दुश्मनी क्या है तेरी मेरे से? अरे यार ये कौन है, क्या कर रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ये डीमन विंग क्या है, हेलो ये कौन है डीमन विंग, ये क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा कुछ भी? ध्यान भटका है गाइस। अबे नहीं यार, इधर ही तो भटक रहा है अभी भी ये, कैसे भागूं मैं? अभी उठने नहीं वाला, एक्टिंग कर रहा हूँ भाई मैं। ये दूसरी गाड़ियों को पीट रहा है, ये बढ़िया टाइम है। नहीं नहीं यार, वो वापस से मेरी तरफ आ रहा है। अबे क्या दुश्मनी है तेरी मेरे से? दूसरी गाड़ियों को कैसे पंच कर रहा है भाई आराम से, भाई पावरफुल तो है ये बंदा, लेकिन मेरे को क्यों धो रहा है ये, मेरे को तो अभी तक यही नहीं समझ में आया। यहाँ पर एक और गाड़ी उठा लिया गाइस इसने, एंड उसे भी ब्लास्ट कर दिया है। भाई साहब क्या स्ट्रांग बंदा है, अरे यहाँ से हिल क्यों नहीं रहा? लगता है एक्टिंग बंद करनी पड़ेगी भाई, ऐसे उठ के भागना पड़ेगा, या फिर रुको थोड़ा और वेट करते हैं। इधर उधर हिल डुल भी तो नहीं रहा ये, एक बार को जरा इधर उधर इसका ध्यान भटके, मैं भाग लूंगा यहाँ से। आई गेस इस यही सही टाइम है, अब वापस यहीं पे आ गया। ओ नो, वो दूसरी गाड़ी मेरे ऊपर मत फेंक भाई, क्योंकि एक्टिंग सही जा रही है अभी तक तो। मेरे सिर के ऊपर लिटरली में भाई गाड़ियाँ फेंक रहा है, वो गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही है जस्ट मेरे ऊपर ही। ओ नो क्या हो रहा है, उठ के कैसे भागू भाई? 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए यार, क्या करके मानेगा तू? 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए मेरे भाई। एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, इससे क्या करेगा ये? दूसरी गाड़ी पर थ्रो किया तो भाई सब, एक और पीछे से फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसको फिर से इसने थ्रो कर दिया गाइस। ओके, इसका ध्यान भटका है। दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट, पैदल ही दौड़ू गाड़ी लेके भागू, गाड़ी लेके कम ऑन, वो रहा पीछे है वो, जल्दी गाड़ी दो किसी की, कोई गाड़ी दो। ओ हमर वाले भाई गाड़ी दे प्लीज, हमर वाले भाई मेरे गाड़ी दे दे प्लीज, ओ हमर वाले भाई प्लीज गाड़ी दे दे यार, ओ यार एक गाड़ी तो मांग रहा हूँ तेर से, प्लीज देना। ओके थैंक यू बड़ी थैंक यू, बाहर फेंक दे मैं उसे उठा के। ओके कम ऑन क्विकली निकलते हैं गाइस यहाँ से। वो भाई वो कौन है डीमन विंग, मेरे पीछे क्यों पड़ गया है वो हाथ धो के? पता नहीं भाई क्या सीन है उसका, क्विकली भागते हैं यहाँ से। अबे लेकिन भाई छुपने के लिए मैं जाऊँ कहाँ, मेरे पास कोई जगह भी तो नहीं है, एंड ये भी तो नहीं पता चल रहा ये बंदा अचानक से वहाँ गुफा के बाहर क्या आ गया, मैं तो सिंपल सी कैंपिंग करने के लिए आया था यहाँ पे। हेलो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, और कितनी बिजली कड़क रही है भाई, सारी बारिश आज ही हो जा, पूरे साल मत बरसी हो भाई, तू आज ही बरस जा, कोई बात होती है ये, कितनी बारिश हो रही है आज? कहाँ भागू फिलहाल, पीछे तो नहीं आ रहा, मुझे लगता भागने की जरूरत है, सिंपली अपने घर चलते हैं, मे बी उधर वो गुफाओं की तरफ रहता होगा भाई। वेट, कल मैंने एक पत्थर फेंका था उस गुफा के अंदर से, वो पत्थर भी ग्रीन सा था, अजीब सा था, कुछ एंटीना वेंटीना सा भी निकला हुआ था उस पत्थर के अंदर से, कहीं ये बंदा वो पत्थर, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, लेकिन फिर ये बंदा आया कहाँ से, मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गया? पता नहीं भाई, ये तो अब फिलहाल वो बंदा ही बताएगा, लेकिन मेरा कोई मतलब वो नहीं है भाई मन उस बंदे से दोबारा मिलने का, मेरे को सिंपली अब घर जाना है, चिल करना है, आराम करना है। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो, चलते हैं। कब से बारिश हो रही थी, बट अभी फिलहाल एक चीज़ अच्छी हुई है, एटलीस्ट बारिश तो बंद हो गई है, और दूसरी चीज़ अच्छी हुई है कि मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ लेकिन मेरी गाड़ी उधर गुफा में ही रह गई, छोड़ो ना भाई गाड़ी को, भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए, बाद में कभी जाके लेकर आ जाएंगे, एटलीस्ट मैं सेफ तो हूँ, एटलीस्ट उस क्या नाम था उसका, डीमन विंग से पीछा तो छूटा मेरा। हाँ चलो भाई आराम करते हैं घर पे। ये क्या है, ये मेरे घर पे कैसे आ गया? इसको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया भाई? हेलो ब्रो, हू द हेल आर यू? मेरे घर पे क्या कर रहा है ये? मेरे घर का एड्रेस कैसे मिल गया? इसे कैसे पता कि मैं घर पे ही आ रहा था? इसे कैसे पता कि मैं यहीं रहता हूँ? क्या करूँ मैं भाग रहा हूँ भाई, मैं भाग रहा हूँ इधर, क्विकली भागो इधर से, शॉर्टकट लो भाई, शॉर्टकट, कम ऑन। अरे ये बैग लेके क्यों घूम रहा हूँ, पहले तो इस बैग को फेंको नहीं, रख देते हैं, बाद में खाएंगे उसके अंदर के चिप्स एंड फ्रूट्स। अभी भागो यहाँ से, भागो। भागो भाई भागो तेरी, और फिर से अबे यार इसने देख कैसे लिया, इसे कैसे पता चल गया? शायद इसने मिरर में देख लिया होगा,
शायद इसने मिरर में देख लिया होगा, ये फिर से कुत्ते की तरह पीट रहा। भाई छोड़ दे भाई डीमन विंग, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है यार। अरे तू बता तो सही मैंने क्या किया है, पहले ये बता। ओए दो मिनट रुक बे, ओए हरी पालक खाने वाले बंदे, दो मिनट रुक अभी तू। कैसी एक तो भैंस जैसी शक्ल है, तेरे दांत कैसे पीले हैं, मुंह नहीं धोता क्या कभी जिंदगी में, धो लिया अगर मुंह। खैर वो सब छोड़, तू पहले ये बता भाई डीमन विंग, दो मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज, प्लीज कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के प्लीज कह रहा हूँ। तू पहले मेरे को, अरे यार सीधा रख, पहले रख दे यार, ये ले। थैंक यू भाई, थैंक यू रखने के लिए जमीन पे, थैंक यू। अब दो मिनट सिर्फ और सिर्फ दो मिनट शांति से। अबे यार दो मिनट मेरी बात सुन, हाँ दो मिनट मेरी शांति से सिर्फ एक बात सुन भाई, क्या क्यों क्यों पीट रहा है, तू है कौन पहले मेरे को ये बता। अरे पता है भाई तेरा नाम डीमन विंग है, लेकिन मुझे क्यों धो रहा है तू सुबह से, क्या प्रॉब्लम है तेरी, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, क्या लात मारी मैंने तुझे, गाड़ी चढ़ाई तेरे ऊपर। अबे तेरे ऊपर कब गाड़ी चढ़ा दी, मैं तो तेरे को पहली बार मिल रहा हूँ भाई। कल पत्थर को लात मारी थी, कल पत्थर पे गाड़ी चढ़ाई थी, इसका मतलब तू वही पत्थर है भाई, ठीक है पीट ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार क्यों क्यों मैंने इस पे गाड़ी चढ़ाई, क्यों मैंने इसे पीटा यार, मतलब पीटा क्या, क्या बंदा पत्थर को भी ना पीटे कोई बात होती है। लेकिन हाँ ये पत्थर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मेरे को पहले ही सोच लेना चाहिए था। और नो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, प्लीज यार माफ कर दे भाई, मैंने देख तेरे लात मारी, तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई, तूने भी मेरे को पीट लिया, मेरे ऊपर गाड़ियां ब्लास्ट कर दी, बस हो गया हिसाब बराबर, इतना ही चलता है यार, अब इतना कौन जिंदगी भर पीटेगा क्या मेरे को, छोड़ दे यार। हेलो भाई प्लीज छोड़ दे। अरे लेके घुमा रहा है भाई ये तो, मेरे को पूरी दुनिया घुमा रहा है लिटरली में गाइस। घुमा भाई तू घुमा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुमा मजे से घुमा तू, मुझे लग रहा है तू ज्यादा बिजी मॉन्स्टर नहीं है भाई, तभी तो सिर्फ एक एक बंदे के पीछे टाइम पास कर रहा है। अबे और दुनिया में लोग है भाई, उनकी जिंदगी में तबाही मचा, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, छोड़ दे भाई प्लीज मेरे को। अरे इतनी ऊंचाई से भी छोड़ने को नहीं कहा था, अरे बिल्कुल ही छोड़ के चला गया गाइस ये तो, कोई बात नहीं एटलीस्ट छोड़ के तो गया, नहीं छोड़ के गया, वो वापस आ रहा है, ये वापस क्यों आ गया, अरे फिर पीट रहा है, मुझे भागना पड़ेगा, मेरे को भागना पड़ेगा भाई, वरना ये फिर पीटेगा, फिर आ गया, नहीं किसी गाड़ी को पीट रहा है, चलो चलो आई गेस गाइस यही सही टाइम है भाई, भाग लेते हैं यहाँ से क्विकली, वरना ये धोता रहेगा मेरे को, बहुत बुरी तरीके से धोता रहेगा। तुम लोग देख रहे हो बाकी गाड़ियों का क्या हाल कर रहा है भाई, ये बंदा क्या है, लेकिन ये पत्थर था तो ये मॉन्स्टर कैसे बना, अबे तू पत्थर था तो मॉन्स्टर कैसे बना, गाइस तुम लोगों को पता है यार तो कमेंट में जाकर बताओ। सीरियसली में मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, वेट इसको मैंने बाहर छोड़ा था, रात को बारिश हो रही थी, मे बी बारिश की बूंदों से तो नहीं, मे बी बिजली बिजली कड़की एंड बिजली बिजली गिरी हो इसके ऊपर, हो सकता है। क्या ही तुक्के लगा रहा हूँ मैं भी, लेकिन भाई जो भी हो मेरे पीछे क्यों पड़ा, ओ भाई फिर आ गया ये, अरे इतना अच्छा मौका मिला था भागने का, नहीं इस्तेमाल कर पाया इतना अच्छा मौका, आई एम सॉरी गाइज, इतना अच्छा मौका मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया। ले भाई फिर से थ्रो करेगा ये, ओ अरे मेरे संग तो फुटबॉल खेल रहा है ये बिल्कुल ही, बट मेरी हेल्थ जो है भाई ज़्यादा है इन सभी बंदों से, तो इसलिए अभी तक जिंदा बचा हुआ हूँ मैं, बट स्टिल इस बंदे ने कुत्ता बना रखा है। थैंक यू यार घास वास पे फेंकने के लिए, इस पे कम चोट लगती है। अरे थैंक यू बोला फिर भी पकड़ लिया, क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है तू, जो भी कर रहा है। अब ये कहाँ मेट्रो स्टेशन पे, एक तो इस मॉन्स्टर का सीन क्या है, ये मेरी पीछे क्यों पड़ा है भाई, माना पत्थर पे मैंने लात मारी थी, तू उस वक्त पत्थर बना हुआ था, तो इसमें मेरी क्या गलती है, अनजाने में गलती हो गई भाई, हो जाती है इंसान से गलती, अब क्या ये मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। मेरे को लग रहा है गाइज जल्द से जल्द मुझे कोई अच्छा सा मौका ढूंढ के एंड यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल ये यहाँ पर क्यों आया था पता नहीं, फिलहाल अभी ये फिर से बाहर जा रहा है। सही है। ओ पुलिस वाले सर बचाओ, सर प्लीज बचाओ सर बचाओ। सर क्या कर रहे हो आप, अरे किधर गोली चला रहे हो सर जी, अरे और सर जी, अरे सर आप तो गए, क्या ही बचाओगे किसी को सर। यस सर आप जिंदा हो सर, गोली चलाओ, अरे दो पुलिस वाले अबे मिलके गोली चलाओ ना यार, क्या ही लॉस सैंटोस के पुलिस वाले हैं भाई। फिर से दबोच लिया इसने, क्या ही लॉस सैंटोस के पुलिस वाले हैं भाई, सीरियसली में बंदे पिट रहे हैं लेकिन गोली चलाने को तैयार नहीं है भाई, एक ये बंदा है कि मेरी जान नहीं छोड़ रहा है यार, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा भागने का, की बार अगर मेरे को ड्रॉप करेगा ना भाई ये, मैं भागने वाला हूँ, बहुत तेज भागने वाला हूँ, बल्कि गाड़ी लेके सबसे ऊंची बिल्डिंग पे छुप जाऊंगा, हाँ वहां तक थोड़ा ना पहुंच पाएगा एंड अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि मैं वहां पर हूँ। यस ऐसा ही करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को ये छोड़े तो सही, छोड़ ही नहीं रहा है। अरे क्या है भाई, छोड़ दे, ओके छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, फिर से मेरी तरफ ही आ रहा है,
उन्होंने फिर से पकड़ लिया। क्या करके मानेगा ये, किधर जाना चाह रहा है भाई, ये बंदा है क्या, चाह क्या रहा है ये। लो भाई फिर से छोड़ दिया इसने एंड अब दूसरी गाड़ियों को ब्लास्ट करने में लग गया ये। आई गेस गाइस दिस इज द राइट मोमेंट, दिस इज द राइट टाइम टू एस्केप। चलो भाई भागते हैं फटाफट, यही सबसे बढ़िया मोमेंट है भाई। देखो ये बिजी है दूसरी गाड़ियाँ ब्लास्ट करने में, बल्कि कुछ ज़्यादा ही बिजी है, ट्रक व्रक ब्लास्ट कर रहा है ये फेंक फेंक के इधर उधर। मैं एक काम करता हूँ, भाग लेता हूँ यहाँ से। यस यस यस, चलो 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 चलो, भागो 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 भागो, उधर बिजी है वो गाड़ियाँ तोड़ने में। मैं इधर किसी की गाड़ी तोड़ लेता हूँ, मतलब उठा लेता हूँ गाड़ी 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 गाड़ी। हेलो भाई साहब, प्लीज़ 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 प्लीज़। हेलो मोटे भाई साहब, जल्दी बाहर निकलो सर, सर जल्दी बाहर निकलो, मेरी जान खतरे में है। भागो, उस बिल्डिंग पे लेकर चलते हैं गाइज। अरे हटो ना बे, उस बिल्डिंग पे जितना जल्दी। अबे तू कौन है गाड़ी में बैठा है, चल उधर। ओके जल्दी से उस बिल्डिंग पे चलते हैं, घर पे तो नहीं जाने वाला, पता चला फिर से ये घर पे मिल गया। बिल्डिंग की तरफ रास्ता कहाँ से है, पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से। जल्दी 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 जल्दी, क्विकली क्विकली, हेवी गो हेवी गो हेवी गो, कम ऑन कम ऑन, फुल स्पीड। चलो भाई आ गए, चलो भाई आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन जल्दी लेफ्ट यहाँ से। अब क्या है ये लॉस सैंटोस के बंदे, 2 मिनट शांति से गाड़ी नहीं चलाने देते। क्विकली गाइस चला चला के इस गाड़ी को छत पे चलते हैं। बट ये सीन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सीन हो रहा है ये मेरे संग, क्यों हो रहा है ये, जो भी हो रहा है भाई। वैसे वो मुझे नहीं लगता अभी ज़िंदगी में मेरे को छोड़ेगा भाई, या मेरा कभी पीछा छोड़ेगा वो। जिस हिसाब से जब जब देखो मेरे को ही पकड़ के कूट रहा है वो, लेकिन बचने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। चलो टॉप पे चलो। अरे कितना है यार अभी ये बिल्डिंग, कब से चढ़ रहा हूँ ये बिल्डिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है, कितनी और जल्दी चढ़ूँ मैं। बहुत तेज़ गाड़ी भगा रहा हूँ भाई, इस बिल्डिंग पे 60-70 बहुत फास्ट होती है, एंड उतनी स्पीड से तो मैं भगा ही रहा हूँ, फिर भी अभी तक नहीं पहुँचा मैं टॉप पे। एक तो ये बिल्डिंग के रोड सारे के सारे ऐसा कर्व्ड वाले हैं। चलो जल्दी चलो, कम ऑन हियर वी गो। अरे अभी कितना ऊंचा है, ओके शायद पहुंच गया, शायद पहुंच गया। अबे हट ना बे, रेंज रोवर वाली आंटी हटो। तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ताकि जल्द से जल्द इस डीमन विंग से मैं अपना पीछा छुड़ाऊँ। भाई ये पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यस अभी कभी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये मेरा जल्द से जल्द पीछा छोड़े एंड मैं इससे एस्केप कर सकूँ। ओके नाइस, पहुँच गया क्या, अरे अभी नहीं पहुँचा मैं। ओके शायद फाइनल फाइनल है ये फाइनल रोड। ओ हियर वी गो भाई, हियर वी गो एवरीवन। ओ नो, सामने उड़ा ही देता मैं तो अभी गाड़ी। आ गए भाई आ गए। ओ नो, नहीं 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 नहीं, क्या हो गया ये, जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल ही नीचे आ गया। फिर से चढ़ो पूरी बिल्डिंग। ओके गाइस 150 साल बाद वापस से आ चुका हूँ मैं, एंड फाइनली ये बिल्डिंग चढ़ ही गया मैं। ये जगह आई गेस सबसे सेफ रहने वाली है, यहाँ तक तो उसे अंदाजा भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर आ रखा हूँ। यस सेफ, बिल्कुल सेफ। उफ, काफी अच्छा लग रहा है उस डीमन विंग से बच के, काफी अच्छा लग रहा है। ओ भाई साहब यहाँ तो बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है भाई, मजे आएंगे यहाँ पे। ओ वो सामने माउंट चिलियाड नजर आ रहा है क्या, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है क्या, सीरियसली भाई। नहीं नहीं माउंट चिलियाड नहीं होगा, कोई और सा पहाड़ होगा, लग तो माउंट चिलियाड ही रहा है भाई। जरा साइड में चलते हैं इस बिल्डिंग के। यस वो लग तो माउंट चिलियाड ही रहा है भाई, पता नहीं, जूम करके देखता हूँ। ओके वो माउंट चिलियाड है डेफिनेटली। कितनी दूर है वो यहाँ से, ओ भाई साहब कितनी दूर का नजर आ रहा है भाई। क्या मौसम साफ है आज का, बारिश वगैरह हो गई ना भाई, इसलिए मौसम इतना ज्यादा साफ हो गया है। खैर डीमन विंग से बच चुके हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर चिल कर रहा हूँ मैं मजे से। अभी कुछ दिखा क्या नीचे, नहीं नहीं ये तो बिल्डिंग के ही पार्ट्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मजे में चल रही है जिंदगी। एंड एक बार जरा तुम लोग व्यू देखो भाई यहाँ से, कितना प्यारा व्यू है, सीरियसली वे वन ऑफ द बेस्ट व्यूज, सबसे बढ़िया। यहाँ से खूबसूरत कहीं का व्यू नहीं है, यहाँ से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। अबे ओ नो भाई, डीमन विंग तू, नहीं भाई नहीं नहीं, ओ नहीं गया, नहीं उसने गलत टाइम पे पंच मार दिया भाई, मैं गया मैं गया मैं गया। पैराशूट खुल नहीं रहा है, पैराशूट खुल नहीं रहा है भाई, ये पैराशूट भी नहीं खुल रहा, मैं गया ओ गया ओ गया भाई गया, ओ गिर गया मैं गिर गया, गिर गया कहाँ से, गिर गया कहाँ से, गिर गया मैं। हेलो, अबे कहीं नहीं गिरा, मैं तो घर पे हूँ। अबे यार मैं तो घर पे हूँ भाई,
तो फिर ये सब सपना सपना तो नहीं था भाई, सब कुछ तो रियल सा ही लग रहा था। पता नहीं, चीजें कुछ समझ में नहीं आई। सीरियसली में ये हुआ रियल में कि सपना ही था? एक सेकंड, अगर ये रियल में हुआ होगा तो मेरी गाड़ी बाहर नहीं होगी, मेरी गाड़ी तो वहां गुफा में होगी। एक सेकंड, जरा चेक करते हैं गैराज का डोर। चल भाई ओपन हो जा। अबे गाड़ी तो यहीं पर है, वो भी बिंदास कंडीशन में। तो फिर ये सब सीरियसली मैं सपना था? ओ भाई बच गए, डीमन विंग जैसा कोई भी नहीं है। ओ बच गए भाई, बच गए भाई, डीमन विंग जैसा लिटरली में कोई भी नहीं है भाई। ये सब कुछ एक सपना था, मतलब वो कैंपिंग पे जाना, वहाँ पे वो पत्थर को लात मारना, पत्थर को गाड़ी से ठोक ठोक के बाहर तक लेके जाना, एंड देन वो क्या था भाई, वो एक ग्रीन से बंदे का आना, एंड देन वो बंदा मेरे को पीटता है, मैं भागता हूँ, वो पीटता है, फिर उस सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाना एंड वहाँ से धक्का देना। ओह ये सब सपना था। ओ काफी अच्छा फील हो रहा है। ओ बच गए भाई, बच गए भाई, बच गए। किस्मत किस्मत अच्छी थी। किस्मत किस बात की अच्छी थी? अबे बच गए क्योंकि सपना था ये। जो भी हो सपना था, मजा आ गया। पहली बार कोई चीज ऐसी मतलब है जो सपने में देखी है जो सच में नहीं है, ये सोचकर मजा आ रहा है। वरना सपने में ऐसा लगता है कि भाई अमीर बन गया मैं, काश ये चीज असली में भी हो जाती। बट पहली बार ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, जो सपने में हुआ है वैसा असली में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मजा आ गया भाई। ओह कितना डेंजरस सपना था। चलो चलते हैं फटाफट एंड आराम करते हैं घर पे। सपना ही था ना भाई, अभी भी दिल में ऐसा धक धक सी हो रही है। सपने में मैंने देखा था कि वो डीमन विंग, हाँ ऐसा कुछ नाम था, एंड वो मेरे घर के अंदर खड़ा था। नहीं है कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर। डीमन विंग जैसा बच गया भाई, बच गया। ओके बच गया, सब सपना था। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ भाई, अगर ये सपना इन केस अगर गलती से भी सच हो गया, क्या हालत खराब होगी भाई मेरी और पूरे लॉस सैंटोस की। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सपना बिल्कुल भी सच नहीं था, सपना बस एक सपना ही था। फिलहाल तो गाइस तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।